मणिपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। डेढ़ साल से एक राज्य धधक रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं, भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में डेढ़ साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम हैं। वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। डेढ़ साल से एक राज्य धधक रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं, भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में डेढ़ साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम हैं। वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं।